विधानसभा चुनाव भले ही दूर हो लेकिन जिले की सियासत एक बार फिर से गर्म होती दिख रही है। कांग्रेस ने सपा मुखिया अखिलेश यादव का उन्हीं के गढ़ में लापता होने का पोस्टर लगवाकर अपना इरादा जाहिर कर दिया है कि वो यहां बीजेपी से ज्यादा सपा को अपना प्रतिद्वंदी मानती है। कारण ये है कि पोस्टमार ऐसे वक्त में पर हुआ है जब सीए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई कार्रवाई को लेकर योगी सरकार चौतरफा गिरी हुई है, लेकिन कांग्रेस ने सरकार को घेरने के बजाय सीधे सांसद अखिलेश यादव को निशाना बनाया। अब खुद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आजमगढ़ पहुंच रही हैं और वो सीधे बिलरियाजगंज में जाकर आंदोलनकारियों से मुलाकात करेंगी। इससे जिले के राजनीति में कहीं ना कहीं उबाल आना तय माना जा रहा है। यहां सपा और कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पहले ही पीड़ितों से मुलाकात कर चुका है, लेकिन अब खुद महासचिव ने कमान संभाल ली है। यहां के मौलाना अली जौहर पार्क में सीए के विरोध में मुस्लिम महिलाओं के धरने पर बैठने के दौरान बीते दिनों बवाल हुआ था। प्रशासन ने उपद्रवियों पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े थे और कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी।